हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा क्लासेस पर। दोस्तों, हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम विश्व इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं को देखते हैं या देखेंगे या देख रहे हैं, जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स को ले रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों? जी हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से हम ये सीरीज आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम अमेरिका का आज स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकन क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे क्या घटनाएं हुई और कुछ करंट की थोड़ी बहुत चीज़ें भी इसमें हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करिए। ठीक है, हो सकता है अंत में कोई ऐसी जानकारी हो जाए जो एग्ज़ाम में आ जाए। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका। 1492 में कोलंबस गया, स्पेन का निवासी, और वहीं से अमेरिका की क्या हो गई? खोज हो गई 1492 में। कहाँ के लिए निकला था? इंडिया के लिए। पहुंच कहाँ गया? अमेरिका तो पहुंचा था। जी हाँ, निकला था इंडिया के लिए, लेकिन जाना ईस्ट था, चला गया वेस्ट और पहुंच गया अमेरिका, और अमेरिका की वहीं से मान ली गई खोज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इसके कुछ तथ्यों को, फैक्ट्स को देखिए। फैक्ट्स पढ़ने हैं मैं यहाँ पर, स्टोरी नहीं पढ़नी। फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं, स्टोरी मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, लेकिन हमें यहाँ पर फिलहाल फैक्ट्स देखने हैं, स्टोरी नहीं देखनी। ठीक है, तो देखिए 1492 में जो स्पेन का निवासी था क्रिस्टोफर कोलंबस, ये गया और यहीं जब पहुंचा तो यहीं से क्या हो गई? अमेरिका की खोज हो गई। और इसके बाद आप जानते ही होंगे, हमें ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं, हमें सीधा आना अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखिए, एक तो माना जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। जी हाँ, देखिए यूरोप के लगभग सारे देश जैसे इंडिया में आए थे, वैसे अमेरिका गए, ब्राजील गए, अफ्रीकन कंट्री गए, चाइना गए, इंडोनेशिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, सब जगह गए। इसी प्रकार से जो कनाडा का एरिया पड़ता है, आपने देखा होगा, हम पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा अमेरिका, आज का अमेरिका केवल नहीं, पूरा लगभग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कनाडा था, कनाडा का कुछ पार्ट और अमेरिका का कुछ पार्ट, आज का यूएसए, उसका कुछ पार्ट पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। अभी हमने फ्रांस की राज देखी थी ना, फ्रांस की क्रांति, तो उसी में आज हम बात करते हैं। एक हुआ था युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध, जैसे अपने यहाँ कर्नाटक वॉर हुआ था कर्नाटक में फ्रांस और इंग्लैंड का, उसी प्रकार अमेरिका में भी हुआ था, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, जो कि 1756 से 1763 तक चला था। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। हालांकि इंग्लैंड की जीत होती है इसमें, जी इंग्लैंड की जीत होती है। और एक और बात करते हैं, देखिए कहते हैं जिस प्रकार से इंग्लैंड वाले इंडिया आए थे, वैसे ही इंग्लैंड वाले कहाँ गए थे? अमेरिका। और वहां पर जो बौद्धिक चेतना थी, वो सबसे पहले, शिक्षा का विकास सबसे पहले अमेरिका में ही हुआ है। जो आज का हम एजुकेशन देखते हैं अपने इंडिया में, जो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश वालों ने, हमारे यहाँ तो काफी लेट स्टार्ट किया था 19th सेंचुरी में, वहाँ 18th सेंचुरी में ही बहुत बढ़िया हो गया था, बहुत बढ़िया स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो बौद्धिक चेतना का जब विकास हुआ, लोग यहाँ पर से चिंतक उभरे, लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा कि नहीं ये तो गुलाम है हम लोग, तो उस लिए थोड़ा सा ये क्रांति बढ़ी। दूसरी बात करते हैं, अच्छा अमेरिका के जो मूल निवासी, उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। जी हाँ, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। ओके, अच्छा एक नारा दिया गया था वहां के लोगों द्वारा जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जैसे कैबिनेट है, तो कैबिनेट वही अमीर लोग, इंग्लैंड के लोग वो रहते थे, गरीब जनता रहती नहीं थी, तो गरीब जनता कर देती थी। तो उसने जैसे आज की डेट में हम कह दे, अगर हमारा चुना हुआ नेता नहीं जा रहा है, कहने का मतलब अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हमारा, हमने किसी को चुना वो हार गया तो हम कर नहीं देंगे, नहीं, ये भारत की जनता ने चुनी है सरकार। अगर भारत की जनता ना चुनती, मोनार्की होती,
तो इस केस में क्या होता, हम लोग टैक्स देने के लिए क्या कह सकते हैं कि जब हमारा प्रतिनिधि ना है, हमारा कोई है नहीं वहां, तो हम कर क्यों दें। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अगर पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें तो 4 जुलाई 1776 मिली, जिसमें नेचुरल राइट्स मिले। जी हाँ, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का नाम सुना होगा। अभी नेचुरल राइट्स है, फिर ह्यूमन राइट्स आएगा, अभी मेन राइट्स आएगा। मेन मेन समझते हैं, मेन राइट्स आएगा, वुमेन राइट्स नहीं आएगा, मेन राइट्स आएगा। जी हाँ, तो 4 जुलाई 1776 को क्रांति समाप्त होती है और इसी दिन से मान लिया जाता है क्या, पूर्ण स्वतंत्र, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्र मान लिया जाता है। अच्छा, स्वतंत्रता का युद्ध जो समाप्त हुआ था पूरी तरह से, वो 1783 में समाप्त हुआ पेरिस की संधि द्वारा। पेरिस की जो संधि थी, इसमें नायक कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, और यही बने थे क्या, प्रथम राष्ट्रपति। जी हाँ, बोस्टन टी पार्टी, ये घटना हुई थी सैमुअल एडम्स के, जो सैमुअल एडम्स था, इन्होंने बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी वो थी, और ये कब हुई थी, 1773 में, 16 दिसंबर 1773 को। और इसमें हार हुई थी, जो हमारे स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था, इसमें हार हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इसमें 13 उपनिवेशों को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र। आज देख लें 51 राज्य हैं स्टेट में। जी हैं 51 राज्य, 50 नहीं 51 हो गए, ठीक है, बताएंगे अभी आपको। 51 राज्यों में जैसे आज है, तो 13 उपनिवेश थे, उन 13 के 13 उपनिवेश को क्या कर दिया इंग्लैंड ने, स्वतंत्र कर दिया। अब यहां पर अगर बात करें तो प्रजातंत्र का स्टार्टिंग हुआ, सबसे पहले अमेरिका में आया, और इसी में को अमेरिका को ही कहा जाता है आधुनिक गणतंत्र की जननी। जी हाँ, अमेरिका की स्वतंत्रता जो संग्राम था, इसी को नाम दिया गया आधुनिक गणतंत्र की जननी। अच्छा, लिखित संविधान आप जानते होंगे, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का बना, जिसमें संघीय सरकार थी, संघ था वही 50 स्टेटों का एक यूनियन। 1789 में स्टार्ट हुआ, लागू हुआ पहला, जैसे अपने यहाँ 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब्राहम लिंकन क्या बनते हैं, राष्ट्रपति 1860 में। ये देखिए छोटी सी घटना थी, इस घटना के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां स्टार्ट हो गई। जब एक बार स्वतंत्र हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, अमीर और गरीब वर्ग का काम चलने लगा। यहाँ पर दास बहुत हो गए, दास प्रथा, दास प्रथा यहीं से स्टार्टिंग हुई थी, इंग्लैंड वाले ही इंट्रोड्यूस किए थे। इंग्लैंड वाले जो यूरोप में अत्याचार जिन लोगों कर रहे थे, वो लोग सब जाकर के बस कहाँ गए थे, अमेरिका में, और उन पर ही क्या होता था, जो किसान जो थे वो वहां जाकर के बस गए थे। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने 1860 में, और 1 जनवरी 1863 को इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया। जी हाँ, अच्छा, प्रजातंत्र एक नारा दिया गया कि जो प्रजातंत्र होना चाहिए वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए। फेमस है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। अच्छा, जॉन विल्किंस बूथ ये थे, इन्होंने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। जी हाँ, हत्या कर दी जॉन विल्किंस बूथ ने 4 मार्च 1865 को। इसके बाद अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम यह हुआ, अब अमेरिका में स्टार्ट होता है गृह युद्ध, और 26 मई 1865 को यह समाप्त हो जाता है। आप सोच रहे हैं समाप्त क्यों पूछ रहा है, पहले स्टार्ट का नहीं बताया। देखिए, किसी भी चीज की स्टार्ट एडवांस नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन उसको भी देखेंगे हम। तो गृह युद्ध को शल्य चिकित्सा कहा, क्यों कहा, क्योंकि गृह युद्ध जो हो गया, इससे अमेरिका और तेजी से महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो गया। जी हाँ, अग्रसर हो गया, ऐसे अनकहा आशीर्वाद भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, याद रखिएगा इसको। अच्छा, दक्षिण कैरोलिना राज्य से इसकी स्टार्टिंग होती है, यही गृह युद्ध की, और इसी के बाद से जब गृह युद्ध समाप्त होता है, इसी के बाद औद्योगिकरण की शुरुआत बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से। यहीं से कुछ संसाधन जो खोज लिए जाते हैं, मशीनों का आविष्कार हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गया, मान लीजिए गृह युद्ध समाप्त भी हो गया, थोड़ा सा बात करते हैं अमेरिका का प्रथम, ये देखिए, ये यहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम था, मान लीजिए यहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम था आपका अब्राहम लिंकन के पहले तक, ठीक है।
और यहाँ से स्टार्ट होता है सिविल वॉर, और सिविल वॉर के बाद स्टार्ट होता है हमारा प्रथम विश्व युद्ध। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आप थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र की तरफ से था यूएसए, जिसमें इसके इस समय राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। 6 अप्रैल 1917 को ये स्टार्ट होता है, 1914 को स्टार्ट होता है प्रथम विश्व युद्ध, लेकिन अमेरिका का भाग लेता है 1917 में। और 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन होता है, यहीं से युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और इसी का उल्लंघन करके के फिर से एक नया विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरुआत होती है, 8 सितंबर 1941 में डी रूजवेल्ट थे उस समय, और ये बनते हैं क्या राष्ट्रपति इस समय। अच्छा, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान में है, यहां पर दो बम छोड़े 6 और 9 अगस्त को, क्लियर है, हाइड्रोजन बम। इसके बाद आज की बात करें, ये थोड़ा सा हम करंट की बात करें, आज अगर बात करें तो 51 राज्य हैं, 33 करोड़ जनता है, और एरिया वाइज थर्ड है। थर्ड कैसे, पहला रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठवा ऑस्ट्रेलिया, और सातवा हमारा इंडिया, क्लियर। अच्छा, राष्ट्रपति इस समय कौन है, जो बाइडेन है, अभी जनवरी में आपके राष्ट्रपति बने थे, इसको रहा था डोनाल्ड ट्रंप, और ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, ठीक है। अच्छा, भारत अमेरिका की बात करें तो देखिए पिछले लगभग 20 वर्षों से इनडायरेक्टली हम लोग अच्छे संबंध की ओर अग्रसर थे। जब तालिबान थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, थोड़ी घटनाएं घटी, उसने उनके जो टावर था उसको, जो बिल्डिंग थी उसको गिरा दिया 2012 में। इसके बाद से हमारे संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए। जी हाँ, मनमोहन सिंह ने ही 91 से वैसे संबंध इकोनॉमिकली अच्छे हो रहे थे, लेकिन हमारे संबंध जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली, ये सब स्टार्टिंग हुई थी मनमोहन सिंह के समय से। जी हाँ, मनमोहन सिंह ने इसकी नींव रख दी थी, और मोदी जी ने बैक टू बैक बातों करके और संबंधों को काफी अच्छा आज की डेट में बना लिया है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, कूटनीति में कभी भी याद रखिएगा, हमारा देश सर्वोपरि है। जी हाँ, हमारा देश सर्वोपरि है, और इसकी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमें अगर दुश्मन राष्ट्र से हाथ मिलाना पड़े तो हम मिलाएंगे, डराकर, धमकाकर, प्यार से, कैसे भी करके हमें कूटनीति करनी होती है। आज रशिया हमारा खैर दुश्मन नहीं है, लेकिन उतना अच्छा दोस्त भी नहीं रह गया, लेकिन अमेरिका हमारा काफी अच्छा दोस्त हो गया, जो कि बहुत पहले अगर बात करें आज से 20 साल पहले तो हमारा नंबर वन दुश्मन था। जी हाँ, जैसे आज चाइना है तो घबराइए मत, पाकिस्तान से आज हमारे संबंध काफी खराब हैं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है यही पाकिस्तान से संबंध हमारे इतने अच्छे हो जाएं जिसकी हम परिकल्पना भी आज नहीं कर सकते। जैसे आज बांग्लादेश से संबंध हमारे काफी अच्छे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं यहाँ पर बात करने वाला था। अच्छा, इसी के साथ हम लोग अच्छे दोस्त के युद्ध अभ्यास करते हैं, टाइगर ट्रैम, मालाबार। मालाबार में आपको पता होगा जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी चारों देशों मिलकर इसके एक्सरसाइज करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और आज का करंट एनालिसिस, और वाशिंगटन डीसी। जी हाँ दोस्तों, 51वां राज्य वाशिंगटन डीसी बना है, कहाँ का, अमेरिका का। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए पहले तो, चैनल को अगर आप लोगों ने ना देखा हो, ना सब्सक्राइब किया हो, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए। अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे दे, और मैं टेलीग्राम ऐप भी बना दिया है तो उसमें आप ऐड भी हो सकते हैं, और अगर मुझे कोई पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। और हमारा एक आज से नया लोगो स्टार्ट हो रहा है, टैगलाइन स्टार्ट हो रही है, संघर्ष संघर्ष, जी हाँ, संघर्ष।
विराम और संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, याद रखें हमें पढ़ाई कैसी करनी है, हमें पढ़ाई कैसी करनी है, सिंपल, वेरी 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 इजी। चलिए बात करते हैं। हाउ टू स्टडी टू गेट सक्सेस, ये तो हो गया। देखिए गांधी जी की नीति, संघर्ष, विराम और संघर्ष। कहने का मतलब है पढ़ाई करिए, कुछ ब्रेक लीजिए, फिर इसके बाद पढ़ाई करिए, यही है सक्सेस रहने का फॉर्मूला। संघर्ष, विराम, संघर्ष, पढ़ाई, आराम, पढ़ाई। आराम का मतलब 2-4, 10-15 साल का नहीं। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 आवर आप स्टडी करते हैं, तो 20 मिनट का आराम से ब्रेक लीजिए, इसके बाद 2 आवर फिर स्टडी करिए। जी हाँ, ये नहीं पहले विराम, संघर्ष, विराम, ये वाली तकनीक मत अपनाइए कि 2 घंटे विराम, 20 मिनट पढ़ाई, फिर 2 घंटे विराम, ये नहीं, ये वाला अपनाइए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इस नीति को अपनाइए और जीवन में सफल हो जाइए। जी हाँ, ओके, बाय बाय।